स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 8। तो एपिसोड की शुरुआत में हम गुमजू को देखते हैं अपने गेटअप में आकर नामसुन को ढूंढने के लिए निकलती है। नामसुन भी उस क्रश मशीन के नीचे थी, पर हिशी को इसकी कोई खबर नहीं थी। उसके पास जिनशियुक का कॉल आता है और वो बताता है कि डुगो कंपनी के सर्वर को हैक करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपने हर सर्वर पर एंटी डिबगिंग का प्रोग्राम लगा रखा है, जिससे उनका साइट, वेबसाइट, ऐप सभी सिक्योर है। उसे हैक करने का मतलब है कछुए के कवच के अंदर झांकना। हिशी कहता है तुम कोशिश करो, जरूर कुछ हल निकलेगा, फिलहाल के लिए मुझे सर के घर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ नामसुन के ऊपर मशीन का पूरा प्रेशर डाल दिया जाता है। नामसुन अपनी पूरी ताकत लगाकर मशीन को ऊपर की तरफ ढकेलती है, और जैसे ही वो मशीन फिर से नीचे आने वाला था, नामसुन जंप करके ऊपर आ जाती है, और फिर रिशी उसे देखकर मुस्कुराता है। वही गुमजू को देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद उसका पेन भी खत्म हो जाता है। वही रुककर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता था कि नामसुन ठीक है। तब गुमजू को देखकर कुछ राइडर्स भी वहाँ रुक जाते हैं, वो गुमजू का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे पूछते हैं क्या तुम अकेली राइड करती हो, पर तुम जैसी को अकेले राइड नहीं करना चाहिए, हम जैसे आदमियों के पीछे बैठकर राइड करना चाहिए, तभी तुम अच्छी लगोगी। और फिर वो गुमजू के ऊपर अपना नंबर चिपका देता है और कहता है अगर हमारे साथ राइड करोगी तो कभी किसी टीम के साथ लड़ाई नहीं होगी तुम्हारी, तो मुझे जरूर कॉल करना। और तब गुमजू उन्हें रोकती है और उन्हें हेलमेट दिखाते हुए उसे तोड़ना शुरू कर देती है, और ये देखकर वो दोनों शेर से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। गुमजू उनसे कहती है तो मैं तुम्हारे क्लब को अगर ज्वाइन करती हूँ तो मुझे किसी मुसंडे के साथ राइड करने का मौका मिलेगा, और अगर मुसंडे नहीं मिले तो तुम जैसे क्या आलू के साथ मुझे राइड करना होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद किसी औरत को छेड़ने से पहले मेरे बारे में सोच लेना, मैं तुम्हें इस हेलमेट की तरह कुचल दूंगी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और जाते ही ये सारा कचरा भी साफ कर देना। वो दोनों गुमजू से इतना डर गए थे कि सच में उसके जाने के बाद वो कचरा उठाने लगते हैं। जब नामसुन पूरी तरफ से अपना पावर यूज कर रही थी, इसके पेन से गिलजुम की बुरी हालत हो गई थी। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो वो सबसे पहले उठकर ब्लश लगाती है, ताकि मिस्टर शियो के सामने वो बुरी ना दिखे। फिर मिस्टर शियो बाहर आते हैं और कहते हैं चलो हैंगओवर का सूप पी लेते हैं। बताती है कि यहाँ पर हैंगओवर का सबसे बेस्ट सूप मिलता है, क्योंकि ये गुमजू की खुद की रेसिपी है। दूसरी तरफ हिशी को देखते हैं, वो अपने सीनियर के घर के बाहर था। जैसे ही वो डोरबेल बजाने वाला था, उसका सीनियर बाहर आ जाता है। दिखने में भी डोंगसुक एकदम ठीक लग रहा था। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब मैंने पानी भी पी लिया है, कुछ भी नहीं हुआ। हिशी उनसे पूछता है आपने पानी कब पिया था, और डोंगसुक बताता है तुम्हारे घर से बाहर आने के बाद। पर हम देखते हैं कि वो ठीक नहीं होते हैं, वो हिशिक से झूठ बोल रहे थे। उन्होंने फिर से मार्क्स के छोटे से टुकड़े को ले लिया था और इसके बाद खूब पानी भी पिया, जिससे उसके अंदर ड्रग्स फिर से एक्टिवेट हो गया है, और उसके हाथों के नसों को भी हम फूलते हुए देखते हैं। आगे देखते हैं गिलजुम और मिस्टर शियो होटल में बैठकर सूप पी रहे थे, और मिस्टर शियो को ये सूप बहुत ही पसंद आता है। उसे कहता है ये होटल भी तुम्हारी बेटी का है, आखिर उसने इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। लगता है आपके हस्बैंड बहुत ही अमीर थे, उनके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपको मिल गई होगी। तब गिलजुम उनकी गलतफहमी दूर करती है, उनके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी। गुमजू जब छोटी थी तो उसे 2 की टेबल भी कभी याद नहीं हुई, और तब पता चल गया कि उसकी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और अपने साथ काम में ले आई। जैसे ही उसने पैसा देखा तो उसका दिमाग चलने लगा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि उसका दिमाग सिर्फ पैसों के मामले में चलने वाला है। जब वो 22 साल की हुई तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए, जिसे उसने 3-4 साल में ही ट्रिपल कर दिया था। वो जिस भी बिजनेस में हाथ डालती थी वहीं से सक्सेस लाती थी। जगह पर हम क्योंगरी और जीहुन को देखते हैं। जीहुन ने अपने लिए घर ढूंढ लिया था और खरीद भी लिया था, वो आज ही वहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। क्योंगरी उसे कहती है कि पैसा मिलने के बाद तुम बहुत ही बदल गए, इससे अच्छे तो हम पहले ही थे, कम से कम साथ में बैठकर खाना तो खाते थे। तब जीहुन कहता है अब समय बदल गया है, तब हम एक दूसरे पर तरस खाकर एक साथ रहते थे, लेकिन अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और तब क्योंगरी रोने लगती है और कहती है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें तो अब मेरी परवाह ही नहीं है। तभी जीहुन के पास उसके डायरेक्टर का कॉल आ जाता है और वो क्योंगरी को इग्नोर कर देता है। आगे हम नामसुन और ऋषियों को देखते हैं। ऋषियों अपने कॉर्पोरेट रिलेटेड टीम में उसका स्वागत करता है, और नामसुन उसे कहती है ये तो ठीक है, पर आगे से मैं कोई टेस्ट नहीं दूंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब ऋषियों कहता है ठीक है, मैं अपनी जवान देता हूँ आगे से तुमसे कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम इतनी स्ट्रांग क्यों हो, क्या मंगोलिया में तुम कुछ ऐसा खाती थी या फिर कोई मेडिसिन लेती थी जिससे तुम स्ट्रांग हो गई हो। तब नामसुन को अपनी माँ की बात याद आती है कि उसे हर किसी को अपने ताकत के बारे में नहीं बताना है, इसलिए वो कहती है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ऋषियो भी कहता है ठीक है, मुझे भी जानने की जल्दी नहीं है। और फिर नामसुन बाहर आ जाती है। बाहर आकर नामसुन एक कोने में बैठकर हिशिक को कॉल करती है, और हिशिक कॉल उठाते ही उसे डांटना शुरू कर देता है कि तुम अब तक कहाँ थी और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। अब नामसुन बताती है कि ऋषियो ने उसका टेस्ट लिया था, पर वो उस टेस्ट में पास भी हो गई और वो अब उसके टीम में भी शामिल है। अब हिशिक उससे पूछता है तुम्हारी ताकत का टेस्ट लिया था उसने,
नाम सुन कहती है हाँ, मैं क्रश मशीन के नीचे थी। और ये सुनकर हिशिक डर जाता है, क्या तुम पागल हो, उसने तुम्हें क्रश मशीन के नीचे दबा दिया था। अब तुम मेरी बात सुनो। तभी नामसुन के पास मैनेजर का कॉल आने लगता है और वो हिशिक को होल्ड पे छोड़कर मैनेजर से बात करने लगती है। मैनेजर ने नामसुन की बात मानकर गलती कर दी थी, वो भी नामसुन की तरह स्ट्रांग होना चाहता था, इसलिए उसने एक ही साथ 100 कच्चे एग खा लिए थे, इसके वजह से उसकी हालत ढीली हो गई थी। नामसुन भी बेचारी उस पर अफसोस करने लगती है कि उसे ये तरीका उसे नहीं बताना चाहिए था। आगे मैनेजर उससे कहता है, वो लड़का जुंगहो जो उनके टीम में काम करता था, उसकी अचानक मौत हो गई है, पर मौत का कारण नहीं पता। ये सुनकर नामसुन को भी अफसोस होता है और मैनेजर उससे कहता है, पुलिस स्टेशन में जाकर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, क्या तुम मेरे जगह पर चली जाओगी। नामसुन इसके लिए हाँ कर देती है। आगे गुमजू को देखते हैं, उसके जितनी भी कंपनीज और होटल्स हैं, उन सभी के मंथली रिपोर्ट को चेक करने के लिए एक मीटिंग बैठाई जाती है, जहाँ पर गुमजू ये भी कहती है कि वो अब गुमजू डेली को गुमजू मीडिया बनाने वाली है। वो जल्दी ही घाटे में चल रही टीवी ऑपरेटर TGV कंपनी को खरीदने वाली है। तब उससे एम्प्लॉय पूछने लगते हैं कि घाटे में चलने वाली कंपनी को खरीदना फायदेमंद होगा। जो कहती है, अच्छा है, मैं भी गलतियां करना चाहती हूं, जिससे लोगों को पता चलेगा कि मैं भी गलती करती हूं। और इसका नाम हम रखेंगे गुमजू टीवी मीडिया। वही नामसुन को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो लड़का 16 घंटे काम करता था, उसके ऊपर छोटे मोटे क्राइम के रिपोर्ट्स भी है, उनके ऊपर बैंक का लोन भी है जिसे चुकाने के लिए वो कुछ भी करता। जगहों में उसने काम किया है जैसे क्लब और होटल में, और दिन में वो डोगो कंपनी के लिए डिलीवरी का काम कर रहा था, और रात को किसी के लिए प्राइवेट ड्राइविंग का काम करता था। उसका एक सगा भाई भी है जो हाई स्कूल में पढ़ता है, फिलहाल वो अपनी बुआ के साथ है, के पास पैसे ना होने के कारण उन्हें फ्यूनरल के लिए भी मना कर दिया है, तो बॉडी को लावारिस की लिस्ट में डालना होगा। और ये सब जानकर नामसुन को और दुख होता है कि वो लड़का सच में इतना स्ट्रगल कर रहा था कि उसे इतने घंटों तक काम करना पड़ता था। और इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से उसके आंटी का एड्रेस ले लेती है। फिर नामसुन रेशियो को मैसेज करके बता देती है कि डिलीवरी करते वक्त उनका एक वर्कर मारा गया है, वो उसके पेरेंट्स से मिलने गई है, इसके बाद वो काम पर लौटेगी। ये जानने के बाद रेशियो को बहुत गुस्सा आता है, मैनेजर पर गुस्सा निकालता है और उसे पूछता है कि अगर हमारे वर्कर में से किसी की मौत हो गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैनेजर उससे कहता है कि वो हाफ टाइम के लिए हमारे लिए काम करता था, पर उसने रिपोर्टर और सबसे बात कर ली है, तो कोई भी मीडिया डोगो कंपनी का नाम नहीं लेगी, सबने यही जुबान दी है। दरअसल रेशियो नहीं चाहता था कि डोगो कंपनी के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी हो, अगर इस मामले में डोगो कंपनी का नाम बाहर आता है तो यहाँ पर जांच करने के लिए वारंट निकल सकता है। वो नहीं चाहता था पुलिस वाले आकर उसकी कंपनी में छानबीन करे। आगे नामसुन उस एड्रेस पर पहुँच जाती है, जहाँ पर हम जुंगहो के छोटे भाई को भी देखते हैं। नामसुन बताती है कि वो जुंगहो की दोस्त है और वो उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है इससे वो उसका फ्यूनरल कर दे। नामसुन जुंगहो के भाई से कहती है, तुम्हें पता है बचपन में मैं भी खो गई थी, पर जिन पेरेंट्स ने मुझे पाला वो बहुत ही अच्छे थे और इसी के वजह से मैं आज अच्छी लाइफ जी रही हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करके उनका एहसान चुकाना चाहती हूँ। और ये सब सुनकर वो छोटा सा बच्चा रोने लगता है। वो नामसुन से कहता है कि आप बहुत ही अच्छी हो, और फिर नामसुन उसे अपना नंबर लिखकर देती है और कहती है कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। आगे देखते हैं कि हिशिक की टीम ने रेशियो के राइट हैंड के बारे में पता कर लिया था, उसका नाम शिन गैंगशु होता है, उसके ऊपर क्राइम का एक भी रिपोर्ट नहीं है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है, और तो और उसने रशिया में बैलेट डांस भी सिखा है और उसके चारों तरफ हाथ फैले हुए हैं। हेरिटेज क्लब में काम भी करता है, मंथली दवा के 20 मिलियन योन कमाता है, पर काम क्या करता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब हिशिक हेरिटेज क्लब के बारे में बताता है, हेरिटेज क्लब में चुनिंदा रईस लोग ही इसके मेंबर बनते हैं, वो देश के फाइनेंस कैपिटल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि रेशियो भी हेरिटेज क्लब का एक मेंबर है। अब हिशिक सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिसे वो डोगो कंपनी के लिए सर्च वारंट निकाल सके, तभी उसके पास नामसुन का मैसेज आता है, वो उसे अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद हिशिक नामसुन से मिलने आ जाता है और वो देखता है उसने अकेली ही बहुत सारी ड्रिंक खत्म कर दी थी। उसे पूछता है कहीं तुम भूखी तो नहीं हो। नामसुन कहती है नहीं, भूख के कारण मैं इतना सारा ड्रिंक थोड़ी करूंगी, कोई अपनी भूख इस तरीके से थोड़ी ना मिटाता है। और तब हिशिक उससे कहता है अब से तुम वो काम छोड़ दो, अब आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा। नामसुन कहती है पर अब मैं अपने काम के बहुत ही क्लोज हूँ। उसे समझाता है वो रेशियो बहुत ही खतरनाक आदमी है और मैं नहीं चाहता तुम उसके आसपास भी भटको। वो कहती है पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं उसके पीछे भटकती हूँ, बल्कि वो ही चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूँ, इससे पहले कि वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दे मैं उसको संभाल लूंगी। नामसुन सैड होकर कहती है जो हमारे साथ काम करता था वो मर चुका है। और हिशिक कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता चला, उसी ने हमें रीवा के बारे में भी खबर दी थी। नामसुन कहती है कहीं इसमें उसका हाथ तो नहीं था। हिशिक कहता है हमने जांच किया पर उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, वो 16-16 घंटे काम करता था और अपनी नींद भगाने के लिए एनर्जी ड्रिंक लिया करता था, इसी की वजह से उसकी मौत हुई। दुनिया में हर कोई अमीर नहीं होता,
और हर किसी को तुम्हारे जैसे पेरेंट्स नहीं मिलते। के नाम सुन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सभी को मौका मिले आगे बढ़ने का, और देखना मैं एक दिन सब कुछ बदल दूंगी। और तभी शेख उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ तुम ये करो और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद नामसुन उसे 143 कहती है, जिसका मतलब आई लव यू होता है। ईशी को ये समझ नहीं आता, वो उसे पूछता है पर इसका मतलब क्या है, पर नामसुन बार बार 143 कहती जाती है और फिर वो शर्मा कर तोड़कर जाने लगती है और अचानक गिर जाती है। ईशिक उसे उठाने आता है और देखते हैं नामसुन के घुटने में थोड़ी चोट लग गई थी और इसलिए ईशिक उसे अपने पीठ में उठाता है। नामसुन कहती है, इतने दिनों बाद मुझे मेरे पप्पा की याद आई, पप्पा मेरा घोड़ा हुआ करता था, वो इसी तरह मुझे पीठ पे बैठा के घुमाता था। ईशिक कहता है, तो तुम मुझे घोड़ा बुला रही हो, तुम मेरी टांग खींचना कब बंद करोगी। और फिर ये दोनों इस इवनिंग को बहुत ही एंजॉय करते हैं। घूमचू को देखते हैं वो अपने सभी दोस्तों के साथ घूम कर आ रही थी, जिसके बाद वो गोल्फ खेलते हैं और घूमचू मिस्टर ब्रैड के बारे में सभी से कुछ न कुछ जानना चाहती थी। तो औरतें बताते हैं कि उन्होंने अभी उसका पैसा ट्रिपल करके दिया है। जो कहती है, जरूर कोई वो फ्रॉड का काम करता होगा। उसकी सहेलियां बताती है कि हमने भी पहले उसके बारे में यही सोचा था। तुम्हें क्या लगता है, हमने इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी? हमने बहुत कोशिश किया पर हमें कुछ पता नहीं चला। वो अपनी जानकारी बहुत ही सीक्रेट रखता है, वो क्या करता है कैसे करता है कुछ नहीं पता, बस वो हमें पैसे बनाकर दे रहा है। आगे घुमजू के पास ओ पोलेंटिया से भी मैसेज आता है, मिस्टर ब्रेड सच में एक पहली है, उनके बारे में वो भी कुछ पता नहीं लगा पाए, पर क्या वो मिस्टर ब्रेड की एक फोटो भेज सकते हैं? और उसकी फोटो पाने के लिए घुमजू मिस्टर ब्रेड के मैनेजर को मैसेज करती है। वो मैसेज में लिखती है, क्या वो मिस्टर ब्रेड की एक फोटो भेज सकता है, और बेवकूफ मैनेजर उसे एक ब्रेड की फोटो खींचकर भेज देता है। घुमजू को ये देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो फिर से रीटाइप करती है, तुम्हारी बॉस की फोटो भेजनी है। ये पढ़कर मैनेजर का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि घुमजू उसे लाइक करती है, और फिर ना चाहते हुए भी वो अपनी बॉस की फोटो भेज देता है। आगे नामसुन को देखते हैं, वो ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही थी और वो एक घड़ी भी पहनती है। ये घड़ी उसे हिशिक ने दी थी, इसमें GPS लगा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है, अब जहाँ भी आएगी हिशिक बैठ कर अपने फोन से देख सकता है। नामसुन कैमरा की तरफ देखते हुए किस करती है। आगे जब नामसुन अपने ऑफिस पहुंचती है तो वह अपनी बातों से सभी को परेशान कर देती है और फिर ऋषियों से मिलने के लिए बुलाता है। उसे अपने क्लाइंट की कुछ डिटेल दिखाता है और बताता है कि ये उसके पार्टनर है, उसे थोड़ी देर में ये सब कुछ याद करना होगा और उसे जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसे तुरंत पढ़कर फाड़कर फेंक देना होगा। और नामसुन वहाँ पर इस तरीके से बैठी थी ताकि हिशिक कैमरे से सब कुछ देख सके। वो अपना हाथ कंप्यूटर के पास ले जाकर दिखाती है और ऋषियों से पूछती है, तो ये सब कौन है? ऋषियों बताता है कि ये सारे मेरे पार्टनर्स हैं जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। नामसुन कहती है, अगर तुम्हें मुझसे ये सब करवाना था तो तुमने मेरे ताकत होने का टेस्ट क्यों लिया था? ऋषियों कहता है, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा, पर मेरे लिए जो काम तुम कर सकती हो वो कोई और नहीं कर सकता। इस काम में खतरा है और इस काम को वीक ऑफ लोग ही कर सकते हैं, तुम्हारी तरह। नामसुन ये सुनकर हंसने लगती है। ऋषियों से पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? नामसुन कहती है, तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हें रोकर दिखाऊं? फिर ऋषियों कहता है, ठीक है पर तुम्हें अब अपना नाम बदलना होगा। और फिर नामसुन अपना नाम हिलरी खान रखने को कहती है। ऋषियों कहता है, ठीक है ये नाम अच्छा है पर अब तुम मुझे सर करके नहीं ऋषियों करके बुलाओगी। नामसुन कहती है, ठीक है ऋषियों। दूसरी तरफ से हिशिक ये सब देखकर जल रहा था, वो कहता है ये ऋषियों उसे ऐसे कैसे देख रहा है, उसका नाम हिलरी रख दिया और खुद को ऋषियों कहकर बुलाने को कह रहा है। हिशिक गुस्से में कहता है, अपने आप को क्या समझ रहा है ये, और अब ये गधा इसे लेकर कहाँ जा रहा है? तभी उसके सीनियर कहते हैं, हेरिटेज क्लब को चलाने वाली औरत के बारे में पता चल गया है, अभी हमें वहाँ के लिए निकलना होगा। और वहीं दूसरी तरफ नामसुन ऋषियों और उसके मैनेजर को बहुत ही परेशान कर देती है, साथ में वो ऋषियों को अपनी जैसी हरकत करने के लिए भी मजबूर कर देती है। और ये सब देखकर उसका मैनेजर भी परेशान हो रहा था, क्योंकि ऋषियों उसकी छोटी छोटी गलती पर बहुत गुस्सा करता है, पर वो नामसुन के साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहा है। वही हिशिक अपने सीनियर के साथ हेरिटेज क्लब के सामने ही था, उनकी पूरी नजर आने जाने वाले लोगों पर थी। तभी वो कैमरे में देखता है कि नामसुन भी यहाँ पर आई है, यानी ऋषियों उसे हेरिटेज क्लब में लेकर आया है, और वो यहाँ पर ऋषियों के राइट हैंड को भी देखते हैं। आगे ऋषियों नामसुन को मैरी किम से मिलाता है और वो मैरी किम से कहता है, आज से ये मेरे लिए लोबियस्ट का काम करेगी तो इसे सारा काम समझा दो। पर मैरी किम को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो ऋषियों से कहती है, पर इससे पहले मैं तुमसे बात करना चाहूंगी। और फिर वो अकेले में आकर बात करते हैं। मैरी किम कहती है, वो लड़की कौन है और मैं उसे अपना सारा काम क्यों दे दूं? ऋषियों कहता है, मैं उसे अपने इनर सर्कल में लाना चाहता हूं। वो किसी मेडिसिन की वजह से इतनी ताकतवर नहीं है, वो पैदाइशी ताकतवर है, भगवान ने उसे मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह भेजा है। तब मैरी किम कहती है, पर इतने आसानी से मैं उसे अपना काम नहीं देने वाली, पहले मैं देख तो लूं क्या वो इसके लायक है भी या नहीं। वही हम नामसुन को देखते हैं, वो ऊपर पहुंचकर सभी चीजों को कैमरे में दिखा रही थी और तभी यहाँ पर मैरी किम भी आ जाती है। नामसुन को पीने के लिए ड्रिंक देती है और नामसुन उसे तुरंत पी जाती है।
कुछ सेकंड के बाद नामसुन का दम घुटने लगता है और वो फर्श पे गिर पड़ती है। हिशिक कैमरे में ये देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत कार से बाहर निकलकर हेरिटेज क्लब की तरफ आने लगता है। देखते हैं मैरी किम नामसुन से कहती है, तो इस तरीके से तुम ऋषियों के खतरों को टालोगी, कोई कुछ भी देगा उसे पी लोगी। मैंने इसमें ऐसी दवाई मिलाई है जिसे तुम 3 घंटे के लिए पैरालाइज हो जाओगी। और ये कहकर वो हंसते हुए जा रही थी, तभी नामसुन पीछे से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या ये भी मेरा कोई टेस्ट था? फिर नामसुन चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमाती है और कहती है, ये बाइन सबसे स्ट्रांग था पर मुझे मजा बहुत आया। पता है एक बार मैंने बचपन में उबलते हुए आग के पत्थर को निगल लिया था, जब मैंने उसे हजम कर लिया तो ये क्या चीज है? और फिर नामसुन उसे पकड़कर सोफे में बैठा देती है। हम हिशिक को देखते हैं, जैसे ही वो हेरिटेज क्लब के अंदर आने वाला था, ऋषियो वहाँ से बाहर आता है। हिशिक उसे देखकर अपना फेस छुपाता है और फिर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सीनियर उसे वापस बुलाता है। ऋषियो ने उसे देख लिया था पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपने साइंटिस्ट से बात कर रहा था। वो कहता है, सारे क्लिनिक टेस्ट हो चुके हैं, वो लड़की एकदम परफेक्ट है। वही हिशिक जब कार में वापस लौट आता है तो सीनियर दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये देखकर हिशिक को राहत मिलती है। वही अंदर नामसुन को देखते हैं, उसने मैरी किम की बचा दी थी। नामसुन ने उसे चैलेंज कर दिया था कि वो जितने ग्लास वाइन पिएगी उसे भी उतने ग्लास वाइन पीना पड़ेगा, और मैरी किम कुछ ही ग्लास में ढेर हो जाती है। के बाद नामसुन फिर से वहाँ की वीडियो बनाना शुरू करती है, तभी यहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और फिर नामसुन नाचने का नाटक करते हुए यहाँ से निकल जाती है। बाहर उसे ऋषियो मिलता है। नामसुन उससे कहती है, मेरी किम ढेर हो चुकी है और मैंने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो मुझे घर जाकर आराम करना है। ऋषियो कहता है, तुम खुद ही फैसला कर लेती हो कब आना है कब जाना है। ठीक है, तुम थक गई होगी, तुम जाकर आराम कर लो। आगे हिशिक के पास गुमचू का कॉल आता है और वो उसे मेरी किम के बारे में सारी डिटेल्स देती है जो उसने पता लगाने के लिए कहा था। और फिर हिशिक उनसे पूछता है, क्या आप हेरिटेज क्लब के बारे में कुछ जानती हो? गुमजू कहती है, हाँ मैं भी उसी क्लब की मेंबर हूँ और मैं ऋषियों से वहीं पर मिली थी। फिर वो उससे पूछती है, मेरी नामसुन क्या अभी तुम्हारे साथ है? और देखते हैं कि नामसुन क्लब से जैसे ही बाहर आती है, हिशिक उसे अपने पास बुला लेता है और नामसुन नजरों से बचते हुए कार के अंदर आ जाती है। हिशिक उसके दोनों गालों पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या डॉक्टर के पास चलना चाहती हो? नामसुन कहती है, नहीं पर ये जासूसी का काम मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। आगे वो अपने वॉच को दिखाते हुए कहती है, इसमें सारे वीडियोस हैं। मुझे लगता है ड्रग्स का काम इस हेरिटेज क्लब के अंदर ही हो रहा है। सोच रही हूँ कि आज ही रात उसके ऑफिस पे जाकर क्लाइंट की लिस्ट चुरा लूँ। और तब हिशिक कहता है, तुम्हें ये आसान लगता है, अगर तुम पकड़ी गई तो पता है ना क्या होगा? नामसुन कहती है, क्या मैं तुम्हें गधी लगती हूँ? वहाँ पर अपना पूरा हुलिया ही बदल कर चली जाऊंगी, इससे मैं अगर कैमरे में आ भी जाती हूँ तो वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और तब पार्क डोंग उससे पूछता है, पर तुम अपना हुलिया कैसे बदलोगी? और नामसुन कहती है, वो तो तुम मुझ पर छोड़ दो। आगे डोंग सुक को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो ऋषियों के राइट हैंड से मिलने आया था। वो यहाँ पर उसके साथ क्या डील करने वाला है अभी ये नहीं बताया जाता। वहीं दूसरी तरफ गुमजू को देखते हैं, तो ऋषियों की फोटोग्राफ्स को देख रही थी। जब वो फोटोज को गौर से देखती है तो उस फोटोज में मिस्टर ब्रैड भी पीछे था, यानी कि मिस्टर ब्रैड और ऋषियों का कोई कनेक्शन है। आगे हम हिशिक को देखते हैं, वो कार में बैठकर नामसुन के लिए परेशान हो रहा था। वो कहता है, मुझे उसे अकेले वहाँ पर नहीं जाने देना चाहिए था। तब योंगताक उससे कहता है, परेशान मत हो, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और ताकतवर भी है, वो सब कुछ संभाल लेगी। और दूसरी तरफ हम नामसुन को डुगो कंपनी के अंदर देखते हैं। उसने तो कमाल कर दिया था, वो बिल्कुल कैट की तरह फ्लेक्सिबल होकर सभी लेजर्स लाइट को क्रॉस कर लेती है और ऑफिस में पहुंचकर वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगती है। उसका दिमाग भी इतना तेज था कि वो कंप्यूटर के हर फंक्शन को समझ जाती है। और अब बारी थी ऋषियो के ऑफिस के अंदर जाने की, इसलिए वो अब अपना आखिरी गेटअप लेती है। इस बार उसने भूत का गेटअप कर लिया था जिसमें वो बहुत ही फनी लग रही थी। वो अंदर आती है और इस बार वो कंप्यूटर चालू नहीं करती बल्कि सोचती है, क्यों ना मैं इस पूरे कंप्यूटर को ही उखाड़ कर ले जाऊं। वो ऐसा ही करती है, वो कंप्यूटर के तार को खोलकर उसे ही उठा कर ले जाने लगती है। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और वो टॉर्च चलाकर देखने लगता है कि यहाँ पर कौन है। नामसुन उससे बचते हुए सोफे के पीछे छिपी हुई थी, पर वो गार्ड उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच पकड़न पकड़े का गेम शुरू हो जाता है। फिर नामसुन विंडो को खोलकर उससे नीचे कूद जाती है और उसका विग उड़कर गार्ड पर गिर जाता है। वेल आगे हम नामिन को देखते हैं, उसने फिर से मेडिसिन को ऑर्डर कर लिया था। वो इस बार भी बिना कुछ सोचे समझे उस मेडिसिन को ले लेता है। आगे फिर ड्रामा में एक ट्विस्ट और आता है। गिलजुंग जहाँ पर मिस्टर शियो के साथ बहुत ही खुश थी और मिस्टर शियो भी उसे प्रपोज कर देते हैं, अपने आगे की जिंदगी एक साथ बिताने का डिसाइड करते हैं। पर अब शायद इनके बीच कोई आने वाला है। गुमजू के पास कॉल आता है उसके डैड का और पता चलता है कि उसके डैड कोरिया वापस आ रहे हैं, यानी कि गुलजुंग की खुशियों की तो वाट लगने वाली है। वही नामसुन को हम बिल्डिंग से जंप करते हुए देखते हैं और वो खुशी से चिल्लाती है कि काम हो गया,
और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाती है।